एक्सप्रेस रिपोर्टर में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा की। एक बार फिर तेहितावर रोड में हुआ जबरदस्त हादसा, हादसों की बन गई है ये सड़क। कुआकोंडा थाना क्षेत्र के हितावर मोड़ पर बेंगलुरु से किरंदुल जाता 10 चक्का अनियंत्रित होकर एक बार फिर से पलट गया। हादसे में चालक को गंभीर चोट आई है जिसका इलाज कुआकोंडा अस्पताल में जारी है। दरअसल हितावर मोड़ बीते लंबे वक्त से धीरे धीरे एक्सीडेंट जोन में तब्दील होते जा रहा है क्योंकि इस मोड़ पर दर्जनों हादसे और मौतें बीते एक साल में हो चुकी है। इन सबके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस मोड़ पर ना तो कोई सावधानी बोर्ड लगाया है ना ही कोई ब्रेकर बनाना मुनासिब समझा है। जिस तरीके से साल भर में लगातार इस सड़क पर हादसे हुए हैं और अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस हादसों से सबक नहीं लिया है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर यह हादसों की संख्या बढ़ेगी। अब लोग भी इस सड़क पर आने जाने से घबरा रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। कोरोना काल में आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से जूझ रही आम जनता पर सरकार की महंगाई की एक और मार। बीती रात पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए गए दाम। कोरोना संकट में जहां एक तरफ जनता आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रही है वहीं सरकार ने जनता पर एक और भार दे दिया है। पेट्रोल और डीजल के दामों पर एक एक रुपए की कर वृद्धि कर जनता पर महंगाई की मार पड़ी हुई है। बीती रात से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में पेट्रोल 1.36 रुपए और डीजल 1.29 रुपए महंगा हो गया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाया 1-1 रुपए अतिरिक्त कर। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। अगर बिना चैलेंज डीएलजी घोटाले को लेकर सागर संभागायुक्त और सागर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर विधायक शैलेंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई घोटाले की उचित कार्रवाई के लिए सागर संभाग और जिला कलेक्टर को उचित कार्रवाई करने हेतु ज्ञापन सौंपा है। इधर बता दें कि ये मामला पिछले दिनों भी सुर्खियों में रहा था लेकिन किसी काम से दबा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर नगर विधायक ने इस मामले को ज्ञापन सौंप कर जिले में राजनीति हलचल बढ़ा दी है। अब ये देखना होगा कि इस ज्ञापन के जरिए नगर विधायक अपने विरोधियों पर कैसे शिकंजा कसते हैं और जिला प्रशासन क्या उचित कार्रवाई करके इन नगर निगम कर्मचारी और पार्षदों पर क्या कार्रवाई करते हैं। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले को लेकर जहां नगर विधायक ने अपने ही पार्षद और नगर निगम कर्मचारी को घेरने की कोशिश की है और लंबे समय से व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कही है। सागर से एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकुल शुक्ला। बीजेपी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ धारा बढ़वाने को लेकर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी राजवाड़ा पर धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सियासत का ड्रामा लगातार जारी है। शनिवार सुबह अहिल्या माता की प्रतिमा के तले कांग्रेस के 3 विधायक और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ने धरना देकर भाजपा नेताओं के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की। दरअसल शुक्रवार को शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन द्वारा देरी से हुई कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, बेपारपुर विधायक विशाल पटेल, क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला और इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बासलीवाल ने चौकड़ी जमाकर धरना रूपी प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सुदर्शन गुप्ता पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकारी अनाज को भाजपा के नेता अपने आकाओं के जन्मदिन के अवसर पर फ्री में बांट रहे हैं। 3 से 4 घंटे चले ड्रामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद तो कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने अपना धरना खत्म किया। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। बड़वानी जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 64। कक्षा 12वीं की परीक्षा देने वाली छात्रा की भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिला प्रशासन छात्रा के साथ परीक्षा देने वालों की निकाल रहा है हिस्ट्री। बड़वानी में जिला मुख्यालय से सेंधवा के बाद अब टिकरी में भी करीब 4 लोगों की अब तक रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें एक छात्रा है जिसने 2 दिन पहले 12वीं की परीक्षा दी। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। एसडीएम के अनुसार छात्रा की परीक्षा के पहले उसकी रिपोर्ट भेजी थी क्योंकि उसी क्षेत्र में 2 लोग पॉजिटिव आए थे। हालांकि छात्रा में
किसी तरह की कोई भी लक्षण कोरोना जैसे नहीं दिखाई दिए। छात्रा एकदम नॉर्मल थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उसका सैंपल भेजा था, लेकिन अब जब छात्रा की रिपोर्ट आ गई है, वो किस किस के संपर्क में है उनकी हिस्ट्री निकाली जा रही है, साथ ही और सैंपल भी भेजे है और संभावना जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होगा। हालांकि जिला प्रशासन का यह कहना है कि ठिकरी में जितने भी केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें किसी भी तरह के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। सरकारी नल में मोटर डाल पार्षद के इख्तियार कर रहे हैं पानी का निजी इस्तेमाल, आम जनता पानी के लिए है परेशान। दरअसल में पीना के प्रताप वार्ड में आम जनता की जरूरत के लिए नगर पालिका ने हैंडपंप लगवाया है, जिससे लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़े। लेकिन वार्ड के लोग हैंडपंप होने के बावजूद भी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वार्ड के लोगों का कहना है कि वार्ड पार्षद संजय सिंह अपने रिश्तेदार के मकान बनाने के लिए हैंडपंप में मोटर डालकर दो पर से पानी का निजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की परेशानी हो रही है। जबकि वार्ड पार्षद से कई बार मोटर निकालने की कह चुके हैं, लेकिन पद प्रभाव के चलते पार्षद के कानों में जूतंग रहेंगी। जबकि वार्ड पार्षद की जवाबदारी होती है कि वह अपने वार्ड के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। शिकायत के बाद एसडीएम अमृता गर्ग ने नगर पालिका सीएमओ को जांच के निर्देश देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हालांकि परेशानी के चलते वार्ड के लोगों ने वार्ड पार्षद की शिकायत एसडीएम से की है। अब देखना यह होगा कि पद का दुरुपयोग करने वाले इस नेता पर कार्रवाई करता है कौन। बीना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशफाक अंसारी। रामागोड़ा के पास गहरा वाला पुल जो लगभग 4 साल पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, तब से इस पुल का काम कछुआ गति से शुरू है। पुल के बगल में रपटे से आवागमन कराया जा रहा है, किंतु यह सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। रपटे पर थोड़ी ही बारिश होने से सड़क पर लंबा जाम लग जाता है और सड़क की ऊंचाई अधिक होने से कई बार इस रपटे पर गाड़ियों का पिकअप नहीं बन पाता है और गाड़ियां खराब हो जाती है, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। एक और दुनिया में तकनीकी आविष्कार से चांद पर पानी की खोज की जा रही है, तो दूसरी ओर समुद्र में सेतु का निर्माण किया जा रहा है। वही नेशनल हाईवे के जिम्मेदार अधिकारी आए दिन पुल के नीचे मिट्टी में तकनीकी खामी का रोना रोते नजर आ रहे हैं। नवागत कलेक्टर सौरभ सुमन ने इस पुल का निरीक्षण किया, वह जिम्मेदारों को जल्द इस पुल को बनाने के निर्देश दिए। इस पुल के बगल में एक रास्ता बना हुआ है, जिससे कोई भी बारिश होने पर आए दिन जाम बना रहता है। कई बार जिम्मेदारों को इसके बारे में अवगत कराया है, किंतु जिम्मेदार कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। देखना है कब तक जिम्मेदार जागते हैं और इसका काम जल्द कराते हैं। और सबसे एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुर। मनार में लॉकडाउन खुलते ही बाजारों में बड़ी रौनक, ग्रामीण जमकर कर रहे शादी ब्याह की खरीदी। मनार में 28 मई से प्रशासन ने व्यापारियों को दुकान खोलने और ग्रामीणों को शादी ब्याह की परमिशन मिलने से ग्रामीण आदिवासी शादियों की तैयारियां कर रहा है। दुल्हन परिजनों के साथ मार्केट में जमकर कर रही खरीदी, क्योंकि कुछ दिनों बाद बरसात लग जाएगी, जिसमें सभी ग्रामीण किसानी कार्य में जुट जाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन के कारण अप्रैल मई माह में शादियां नहीं हुई, छूट मिलते ही ग्रामीण अपने बच्चों की शादी कराने के लिए कर रहे जमकर खरीदी। शादी ब्याह की खरीदी को लेकर मनावर के व्यापारियों का चल रहा अच्छा खासा व्यापार। मनावर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशोक पाटीदार। जबलपुर में 300 से ज्यादा वेयर हाउस खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सैकड़ों मीट्रिक टन गेहूँ खुले में रख दिया गया है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये गेहूँ खराब हो रहा है। यूं तो राज्य शासन ने बंपर गेहूँ की पैदावार की खरीदी के लिए बड़ी तैयारी की थी, लेकिन सच्चाई उस वक्त सामने आ गई जब लगभग 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूँ खुले में रख दिया गया। अधिकारियों ने जानबूझकर इस तरह के आदेश निकाले कि गेहूँ को खुले ओपन कैप में रखवाया गया, जबकि जिले के 300 से ज्यादा वेयर हाउस खाली पड़े हुए हैं। वेयरहाउस संचालकों की शिकायत के बाद अब संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। संभाग आयुक्त ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दे दिए हैं। जल्द ही समितियों और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना तय है। अरविंद उबे एक्सप्रेस रिपोर्टर जबलपुर। जय प्रकाश चिकित्सालय में डॉक्टर के सस्पेंशन को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। कुछ दिनों पहले 30 वर्षीय विजय नामक व्यक्ति की जेपी अस्पताल में डॉक्टर संदीप गुप्ता द्वारा इलाज किया गया था, वहीं उनकी हमीदिया में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। चिकित्सकों की मांग है कि बिना किसी कारण एवं जांच के डॉक्टर गुप्ता को निलंबन किया गया है, जबकि कोरोना काल में सभी चिकित्सक अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन अपने कार्य पूर्ण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर को जो बिना किसी अवकाश के मरीजों की सेवा में लगा हुआ है, डॉक्टर ने सरकार से मांग की है कि निलंबित डॉक्टर को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जयप्रकाश चिकित्सालय के डॉक्टरों का कहना है कि जो आदमी काम करता है कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन डॉक्टर द्वारा कहीं भी गलती नहीं की गई, इसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
देखना होगा क्या डॉक्टर की कार्रवाई को कब तक निरस्त करते हैं और डॉक्टरों की मांगे कब तक मानी जाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर भोपाल। राज्य में सबसे पहले लागू हुआ यूएसओआर रेट छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में किया जारी। इस संबंध में राज्य में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नवीन कार्यों को गति मिलेगी। नवीन यूएसओआर रेट में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही संचालन व संधारण के कार्य को भी सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जल मिशन के अंतर्गत हर घर नल जल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में हर घर जल के लिए राज्य के साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण घरों को पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। जयपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। राज्य में सबसे पहले लागू हुआ यूएसओआर रेट छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में किया जारी। जोन अध्यक्ष चुनाव में क्रॉसवोटिंग करने वाले की हुई पहचान, इस सेशन पर हाईकमान करेगी कार्रवाई। दरअसल ये पूरा मामला नगर पालिका निगम रायपुर का है, जहां क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस पार्षद कथित जयचंद की पहचान कर ली गई है। अब सिर्फ आधिकारिक रूप से घोषणा बाकी है, क्या कार्रवाई करना है ये हाई कमान तय करेगी। इसके लिए शुक्रवार को 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, अभी लेन देन की पूर्ण रूप से पुष्टि होना बाकी है। इसके बाद उस चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग करेंगे, यह बात महापौर एजाज ढेबर ने कही है। साथ ही कहा है कि बीजेपी का मूल चेहरा यही है। बता दें जोन 3 में 7 पार्षदों में से कांग्रेस के पास 4 पार्षद होने के बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें कि चुनाव के एक दिन बाद कमेटी का गठन किया गया था और एक दिन में जांच पड़ताल कर उज्जैचंद की पहचान की गई है। अब देखना ये होगा कि इस पर किस तरह की कार्रवाई हुई और जांच में ये खरीद फरोख्त करने वाले पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्यराजपुर। पुलिस कर्मियों को चकमा देकर थाने से फरार हुआ आरोपी एक दिन पहले ही चोरी के मामले में गिरफ्तार हुआ था आरोपी। राजधानी के कमांडी थाना से शुक्रवार सुबह चोरी का एक आरोपी फरार हो गया। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। दरअसल कुछ माह पहले कसना इलाके के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हुई चोरी के मामले में टेलीबांधा निवासी आरोपी अभय मिर्चो को गुरुवार देर रात पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने में बैठाया था, जिसके सुरक्षा के लिए 2 आरक्षकों को तैनात किया गया। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे आरोपी अभय वॉशरूम जाने भूलकर उठा और थाने के स्टाफ को चकमा देकर फरार हो गया। इधर इस तरह एक आरोपी के थाने से फरार होने के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि थाने से फरार हुए आरोपी अभय मिर्चो को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। हाईवे से सटे ग्राम चंदू में शनिवार सुबह रेत से भरा ट्रैक्टर पलटी खा गया, जिसमें एक 18 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। हाईवे पर हुए हादसे में अनियंत्रित होकर रेती से भरी ट्राली पलट गई, जिसमें ट्राली में सवार गांव सिमखेड़ा का 18 वर्षीय युवक दब गया, जिसे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। वो उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चंदू नदी से रेत लेकर गांव सिमखेड़ा की ओर लौट रहा था, जिस वक्त यह हादसा हुआ है। जीरन थाना क्षेत्र के ग्राम चंदू में हुई, जिसमें अजय पिता राजाराम की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास राव शिंदे, नीमच। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में 47 नए मरीजों की हुई पहचान। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले एक दिन में 47 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि 1429 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें से अब तक कुल 544 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 869 हो चुकी है। बता दें कि राज्य में संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सबसे प्रभावित जिला बिलासपुर माना जा रहा है, जहां पर अब तक 150 से अधिक मरीजों की पहचान की गई है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। इंदौर नगर निगम के सामने इन दिनों एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। निगम में कोई भी ठेकेदार किसी भी नए काम का ठेका लेने को तैयार नहीं हो रहा है। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर के कई विकास कार्यों के लिए टेंडर निकाले गए हैं, लेकिन 2 से 3 बार टेंडर निकालने के बावजूद किसी भी ठेकेदार ने इन कामों में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसके कारण निगम के काम शुरू नहीं हो पाए। इसी तरह 7 करोड़ की लागत से बनाई गई आदर्श सड़क की देखरेख के लिए भी निगम तीसरी बार टेंडर जारी कर चुका है, लेकिन अभी भी कोई भी एजेंसी निगम को नहीं मिल पाई है।
टेंडर में कम होती ठेकेदारों की दिलचस्पी को लेकर निगम आयुक्त का कहना है कि टेंडर की प्रक्रिया ऑनलाइन है। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी टेंडर नहीं लेता। हालांकि पेमेंट की परेशानी को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक परेशानी के बावजूद निगम लगातार ठेकेदारों को भुगतान करा रहा है। निगम आयुक्त के मुताबिक कोरोना की वजह से निगम की आय प्रभावित हुई है। जैसे ही राजस्व वसूली की राशि निगम के पास पहुंचेगी, इन ठेकेदारों का भुगतान किया जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। पूर्व मंत्री इमरती देवी के वायरल हुई ऑडियो का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। कल जिस धर्मेंद्र बघेल का इमरती के बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, उसी मामले में अब धर्मेंद्र बघेल ने फिर से इमरती देवी के समर्थकों पर बड़ा हमला किया है। धर्मेंद्र ने कहा है कि मंत्री के लोग कल से लगातार धमकी दे रहे हैं, मुझे अपनी जान पर खतरा नजर आ रहा है, इसलिए मैं एसपी से शिकायत कर सुरक्षा की मांग कर रहा हूं, क्योंकि इमरती देवी मंत्री रही हैं, मेरा कुछ भी करा सकती हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र दावा कर रहा है कि मंत्री और उसकी बातचीत का वीडियो सही है, वह ग्वालियर के प्रसिद्ध शीतला मैया धाम की कसम भी खा रहा है। वहीं कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा है कि इस तरह का राजनीति में कतई नहीं होना चाहिए। कांग्रेस किसान के साथ है और मामले की जांच कराने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई के लिए एसपी से मिल रही है। हालांकि बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री इमरती देवी के बचाव में सामने आ गए हैं। सांसद विवेक नारायण सिब्बल का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर इस मामले को तूल देकर षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। अपने का नाम नहीं ले रहा है। भिंड के नयगांव थाना क्षेत्र और रोन थाना क्षेत्र के बीच सिंध नदी पर खनन माफिया रात में रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। भिंड में खनन माफियाओं द्वारा सिंध नदी के सीना को लगातार छलनी किया जा रहा है। रोन थाना क्षेत्र एवं नयगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ओझा, जखमौली, टहनगोर, ककारा आदि खदानों पर खनन माफियाओं द्वारा रात में मशीनें उतारकर अवैध उत्खनन किया जाता है। वहीं रात में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरकर रेत को बाजार में भेजा जाता है, जिसमें पुलिस के लोग वसूली करते हैं। खनन माफिया इतने सक्रिय होते हैं कि यदि कोई टीम छापे के लिए जाती है तो उसकी सूचना पहले ही उनको लग जाती है, जिससे वह मौके से फरार हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए तमाम प्रयास किए गए, कई थाना प्रभारी इधर से उधर किए गए, उस बावजूद उसके भी सिंध नदी से अवैध उत्खनन नहीं रुका। अब देखना ये होगा खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आता है या नहीं। राघवेंद्र सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, उमरी, भिंड। खबर नरसिंहपुर से, जहां गत रात की ब्लड बैंक के कर्मचारी द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों से अमानवीय व्यवहार किया, साथ ही परिजनों ने ब्लड बैंक के कर्मचारी पर नशे की हालत में रहने के आरोप भी लगाए हैं। गत रात जिला अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने ब्लड बैंक कर्मचारी पर लगाए नशे की हालत में रहने के आरोप। नरसिंहपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मिनी माता कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इस घटना के बाद लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। मिनी माता कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। गर्ल्स हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर में एक युवती का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इसकी जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को जाना। क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे युवती के परिजनों का आरोप है कि देर रात रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो उसे तुरंत कोविड अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया। सुबह जब वो क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे और इस बात से अधिकारियों का अवगत कराया, तब जाकर उसे संजीवनी से कोविड अस्पताल भेजा गया। वहीं मिनी माता कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर लोगों ने हंगामा मचाया और आरोप लगाया कि रिपोर्ट आने में काफी देरी क्यों हो रही है। एक स्थिति तब निकली थी जब युवती का पॉजिटिव रिपोर्ट आने के घंटों बीत जाने के बाद उसे कोविड अस्पताल नहीं ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पहुंचे और कार्यवाही को आगे बढ़ाया और लोगों को समझाइश दी। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के कोरोना संक्रमण का शिकार होने के बावजूद राज्यसभा निर्वाचन की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाने के बाद खलबली मच गई। 19 जून को राज्यसभा के लिए निर्वाचन होना है, जिसमें सभी विधायक वोट डालेंगे। राज्यसभा निर्वाचन के लिए विधायकों को नो कोविड कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन देना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमितों के कॉन्टैक्ट में आने वालों के लिए अलग से मतदान की व्यवस्था की जाएगी। विधानसभा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कोरोना संक्रमण का शिकार विधायक भी वोट डाल सकेंगे। ऐसे चिन्हित विधायक सबसे आखिर में वोट डालेंगे।
जाहिर है कोरोना का असर राज्यसभा निर्वाचन पर नहीं पड़ेगा और इससे बचाव के लिए या दूसरे विधायकों को संक्रमण न फैले इसके लिए विधानसभा सचिवालय पुख्ता व्यवस्था बनाने में जुट हुआ है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। रतलाम के ग्रामीण अंचलों में अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए रतलाम जिलाधीश रुचिका चौहान के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। हर रविवार को अब रतलाम जिले के कुछ ग्रामीण अंचलों में लॉकडाउन रहेगा। रतलाम जिले के आदिवासी अंचलों में अब हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह आदिवासी अंचल रतलाम जिले के सेलाना, सरवन, बाजना, राउटी और शिवगढ़ है। इस प्रकार का आदेश रतलाम की डीएम रुचिका चौहान ने जारी कराया ताकि ग्रामीण अंचलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से कराया जाए। देखने में आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में इन दिनों हाट बाजार भी लगते हैं। लोगों का मानना है कि हाट बाजार के दिन भी ग्रामीण अंचलों में लॉकडाउन किया जाना चाहिए, तभी यह सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि बाजारों में जब हाट लगता है तो काफी मात्रा में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बाहर निकल कर आती हैं। ग्रामीण अंचल के लोगों का मानना है कि संडे को लॉकडाउन करना कारगर तो सिद्ध होगा, परंतु यह लॉकडाउन उस समय भी लागू किया जाना चाहिए जब ग्रामीण अंचलों में हाट लगते हैं, क्योंकि हाट के दौरान काफी मात्रा में भीड़ उमड़ती है और यह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करती। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। ढाई महीने के लॉकडाउन में जिस प्रकार अपराधों का ग्राफ नीचे गिरा था, अब लॉकडाउन में रियायत के बाद अपराधों का ग्राफ फिर से जो है ऊपर उठने लगा है। ढाई महीने लॉकडाउन में जिस प्रकार अपराधों में कमी आई थी, लॉकडाउन में रियायत मिलते ही अब फिर से अपराधों का ग्राफ ऊपर उठने लगा है। बात करें जांजगीर चांपा जिले की, तो यहां अलग अलग दो मामलों में दो लोगों की जान चली गई है। पहला मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लक्षनपुर का है, जहां चुनावी रंजिश के चलते पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई है, जिसमें दो दर्जन से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरा मामला नैला चौकी क्षेत्र के ग्राम खैरा का है, यहाँ पैसे की मांग को लेकर एक व्यक्ति ने महिला और उसकी मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें महिला की मौत हो चुकी है, वहीं उस मासूम बच्ची की भी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है और मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल, जांजगीर।